हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर फ्राइड राइस। इस राइस के साथ आपको किसी और चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई सब्जी और दाल की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसके साथ पापड़ और रायता ले सकते हैं, वैसे तो ये ऐसे ही बहुत बढ़िया लगता है। चलिए शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी राइस। ये राइस बनाने के लिए हमें पनीर चाहिए। मैंने यहाँ पर ये देखिए हाफ बोल के करीब पनीर लिया है, इसे हम करेंगे डीप फ्राई। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल के इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख पा रहे होंगे इसका कलर चेंज हो गया है, ये फ्राई हो गया है। अब हम इसमें से इसे निकाल लेंगे। ये राइस को आप लंच या डिनर किसी में भी बना के खा सकते हैं। ये देखिए सारे पनीर हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई कढ़ाई या पैन लेंगे। मैंने यहाँ पैन लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब घी डालूंगी मैं। ये बड़ा चम्मच है, सर्विंग स्पून है, इससे मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया। और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए मेल्ट हो गया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 दालचीनी और 2 तेजपत्ता। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 चक्रफूल और 2 लौंग और 3-4 हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च। अब इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, कटे हुए प्याज, और इन सभी चीज़ों को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख पा रहे होंगे जो प्याज है उसका कलर चेंज हो गया है, ये फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर हरे मटर जो हैं वो ऐड करेंगे। मैंने यहाँ ये हरा मटर लिया है, वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसे भी इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे जब तक कि जो मटर हैं वो थोड़े से पक ना जाएं। मटर जो हैं वो हमारे थोड़े पक गए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने इसमें लिया 1/2 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला। मसाले मैंने देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा डाला है। और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। ये सब हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ये जो राइस है वो हम इसके अंदर डालेंगे। मैंने पहले से ही इसे पका के रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कितने बढ़िया बने हैं, एकदम खुले खुले, बिल्कुल चिपके हुए नहीं है। आप बचे हुए जो दोपहर के चावल होते हैं उससे भी इस तरीके से डिनर में आप बना के खा सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये और बहुत बढ़िया लगती है और बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, नहीं तो जो हमारे चावल हैं वो टूट जाएंगे। और ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसके ऊपर
धनिया पत्ता डालेंगे और जो हमने पनीर फ्राई किया था उसमें से आधा हम डालेंगे और थोड़ा सा मैंने रखा है वो हम बाद में डालेंगे और इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स हो गया है, रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे जो चावल है हमारे कितने खुले खुले हैं, बिल्कुल टूटे नहीं हैं और बिल्कुल चिपके हुए नहीं हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे धनिया पत्ता से और जो हमने थोड़ी से पनीर रखे थे वो हम इसके ऊपर डालेंगे। और ये देखिए जो हमारा राइस है वो रेडी हो गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।